जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ले चलता हूँ, गांव का दौरा कराता हूँ। गांव में पूछते हैं लोगों से, जब उनको मुसीबत होती है, जब कुछ कष्ट होता है, तो किन की पूजा आराधना करते हैं, किन को याद करते हैं, किन को पुकार करते हैं, और उनको उनके पुकार को सुन के कौन आते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वक्त है हम लोग अपने गांव में, और हमारे साथ एक दादाजी हैं। ये दादाजी हैं जो कि गांव की बहुत अच्छी खबर रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। इनसे जानेंगे यहां के रीति रिवाज, यहां के पूजा पाठ पद्धति। तो दादा, पाठ महातन के बारे में बता दो। देखिस पूजा करबू कौन के पूजा करबू ओके बताई देता हूँ। हाँ हाँ, यह मार से दे जाओ तो अपने खींचा तो हमें छुरी और बामहान उनमें चेरे कमरू पाठ पाठ इतने के पूजा करो मैं तो पाठ महादन के। हाँ, दुख तकलीफ होल खाने के पूजा करो ला ना वही जो ना कहीं पाठ महादन। हाँ, कर पाएंगे दोस्त कर तो देखो कैसे कैसे रूप रंग है, छटा पटा कैसे है ये भैया बता दो। लंगटा रहलक, लंगटा रहलक। हाँ, भजी के पूछबे। हाँ, तो हो तो देखी तो बता। हाँ, मैं हूँ देखो, भजी हूँ देखा है, दीदी हूँ देखा है। राइट खड़े। हाँ ना, 12 बजे राइट। तो 12 बजे क्या कर दो बारह तो ये खुजवा तलक से क्या खुजवा रहे कथमिका था कछमी घटा सेखन घर से बाहर निकल रहा तब दे चला मुके दे चार हवा घर का बुढ़ा ठने का बैद ठने यहाँ बैद आज में पाठन के दो। हाँ, लेकिन देवीर गिरी कर लग खाने छूट गिलग। हाँ, एक ही घर, एक ही घर छूट गिलग। तो ऐसे कर बे। हाँ, बगरा नखे वीडियो बना थी। अरे बगरा नखे एक दो तीन चार छोरी अरे कमरू चार गो है कि चार गो पाठ है। हाँ, पाठ माधन। हाँ, तो बीच बीच में आवेल गांव में देखता है कि देखता क्या आवेल कि हंकार कर लेना खनावेल। हंकार तो सब बुलोता है, बुलोता है। राइट के बुले, राइट के बुलेला। अखन तो सूटी अखन हम उनकर राइट है के हमार राइट है हम दिन हमने बुल बोए चल बोए मजा मारे के कौन नुकसान तो नहीं करे लोग नहीं करे माइक को तो हते एकदम के ढर रात के नहीं है अभी करण तक छाले एक देख लो इतने हार घर छोटे रूप रह लगे बड़का हो लगे बड़का हो गया ना ठंगा लाठी है यार जोड़ी लेकिन डरा लेकिन नहीं तो देख ले लेकिन नहीं दिखे डरा नहीं खे डरा। हाँ, तो ये तोर डगर में जा निकले कहलो है देखे का क्या भैया आज कर दो तुहरे जवा मैं तब पूजा पाठ करो। अच्छा भैया, पाठ महादेव के बारे में बताएंगे, हमारे गांव में जो पाठ महादेव है उसके बारे में। हाँ हाँ, जो हमारे गांव में जो सरना पूजा होता है वहीं से वो अपना कार्य शुरू करता है और गांव का सुरक्षा के लिए गांव में घूमता है। किसी किसी को दिखता है क्या? टाइम होता है तो हर आदमी को दिख जाता है और टाइम नहीं रहता है उसका घूमने का टाइम नहीं रहता है तो थोड़ा सा हम लोग बता नहीं पाएंगे। हो बस। ऐसा है। कैसा है मतलब ऐसा है कि नजरिया सबको दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। हाँ, मतलब पाठ महादान हम लोग का ऐसा है कि हम लोग उसी को मानते हैं। हम लोग बैगा परिवार से हैं, बैगा हम उसी से पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। पाठ महादान देवता आपको सौंप रहे हैं, सब आप
आगे पीछे सब आगे पीछे करके एडजस्ट कीजिएगा, ऐसे करके उसी को सौंपते हैं हम लोग। फिर जैसे रात का बात है ना, तो मतलब वो बात ऐसा हो जाता है कि क्या बोलना चाहिए, मतलब जिसका नज़रिया सही रहता है उसको दिखता है। सबको नहीं दिखता है? सबको हाँ। नहीं दिखता है। तो कौन कौन देखा है? हाँ, हम लोग का भैया परिवार में सबको सबको उसी को फल फूल सब चढ़ाते हैं। नहीं, साक्षात कौन देखा है? हाँ, मैं देखा हूँ। विजय भगत, विजय भी देखा है। ये इसका नाम विजय भगत है, मेरा सुबेदार। उनका रूप रंग कैसे रहता है? रूप रंग टाइप का उसका, मैं पूरा हर कुछ में दिखता है, हाथ पैर में पूरा क्या कहते हैं बाल है। अच्छा, पूरा हाथ पांव बाल है? हाथ पांव पूरा सीना, लेडीज के लिए लेडीज के रूप में दिखता है और मर्द के लिए मर्द के रूप में दिखता है, ऐसा है। अच्छा, हाँ, ऐसा किसी को नुकसान नहीं करता है? नुकसान नहीं करता है, नुकसान नहीं करेगा। जहाँ लेटरिंग बैठे रहोगे तो क्रॉस कर लेगा। एक बार बस इतना बोल देता है कि हाँ पाठ महाजन हम लोग को ले देंगे, एकदम प्यार से पहुँचा दीजिए। हम लोग फिर कहीं भी जाना, हम लोग को काटा भी नहीं करता है। अच्छा, हाँ, आज तक किसी को नुकसान नहीं किया ना? बिल्कुल। दूसरे गाँव के जो लोग आते हैं उनको लोग कर लेकिन झड़ रहता है, जैसे गाँव को आ जाते है ना, जैसे हम लोग का बस्ती में जैसे अभी यहाँ पे तालाब है, तो उन लोग बोल दें कि मतलब दिशा पेशाब के लिए बढ़ गए, तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो फिर उसको झड़राता है। झड़राता है मतलब समय के अनुखी में ना उनको झड़राता है। कहने का मतलब क्या है कि उसको भूला पकड़ देगा कि पेट दर्द करेगा कि सिर दर्द करेगा। अच्छा, इसे ये सब नहीं जानते हैं, ये सब करता है। हाँ, ऐसे करता है। बस उसको बोल देंगे कि सिला गाँव गंजार का भैया को हम लोग नहीं जान रहे हैं, थोड़ा सा गलत हो गया तो भैया संभाल लेगा, ऐसा करके बोल के बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है फिर। अच्छा, हाँ, इतना तो है। और ये देवी देवता के बारे में आप सुनना चाहते हैं? हाँ। तो एक बार तो गोठान का पूरा ले लिए। हाँ। और बाकी हमारे पास में चार गो पूजा होता है। चार गो पूजा? क्या चार गो पूजा? एक ठो गोठान का। हाँ। एक ठू सरहुल का। गोठान तो दिवाली में ना होता है, सोहराई में। सोहराई का पहले बाद में। हाँ, सोहराई के बाद में होता है। हाँ, तो एक गांव ग्राम का पूजा पाठ चार गो होता है। हाँ। उसमें हम लोग हर घर में जाके थोड़ा सा चावल चावल चंदा, ये तो 10 रुपया पैसा, ये तो मुर्गी को पकड़ के लेते हैं। हाँ, काला मुर्गी। फिर मुर्गी को क्या करते हैं? मुर्गी को पूजा स्थल में लेके हम लोग पहुंचाते हैं, और वो स्थल में जिसका जिसका पूजा होता है, माला रंगुआ करिया कसरी उसको उसका बैगा पूजा करेगा। सरना में किसका पूजा होता है? लेकिन बैगा का, बैगा बैगा पूजा करेगा। हाँ, बैगा पूजा करता है पूरा बस्ती के लिए। बस्ती के लिए? हाँ, पूरा गांव के लिए, मतलब हम लोग का पंचायत। सुख शांति, सुख शांति के लिए। हाँ, सुख शांति के लिए, सुख शांति। गाय गाय हो बकरी हो, महादेव के नाम पे करता है जो कुछ भी। हाँ, छोटा महादेव बड़ा, के नाम पे करता है। हाँ, छोटा बड़ा बीमारी हो गया, एक टू मटका में आग जला के यहाँ से पराग करवाते हैं। बैगा को नदी के पास, यही पास नाला के पास। यहाँ नाला है ना, देवगोड़ी है, यही है देवगोड़ी। हाँ। मनोज भगत बनवाया है इसको। हाँ। हाँ। दूसरा कोई नहीं बनवाया है। और कैसे है? क्या पूजा करते हैं और सरना में? सरना में देखो, साल भर का पूजा सरने में होता है, घर का पूजा अलग होता है। सरहुल, उसके बाद में क्या कहते हैं, कदलेटा। कदलेटा? हाँ, कदलेटा। तो कदलेटा में क्या चीज का पूजा करते हैं? लास्ट करते हैं, लेकिन सरने में पूजा करते हैं। उसी दिन सब बाल बच्चे या तो बूढ़ा बूढ़ी सब जिसका वहीं पर निवारण हो जाता है। बस हम लोग उसी दिन तय करते हैं कि ये क्या कहते हैं, मर्दों का 200 रुपया, तो लेडीज का 150 रुपया। उसी दिन तो हम लोग तय तप करते हैं। अच्छा। मतलब धान कटाई का 150 रुपया के निकाई का 130 रुपया। अच्छा, उस दिन गांव में तय करते हैं। हम लोग तय करते हैं किसको कितना मजदूरी देना है, उसको तय करते हैं। अच्छा, हम लोग उसके बाद में उसी दिन से हम लोगों का 3 महीना तक कंटिन्यू, 4 महीना तक हम लोग का मिलना जुलना अलग हो जाता है। अच्छा,
अच्छा अच्छा, पाठ महादेव के बारे में बताइए ना, मुलाकात हो पाया क्या आपसे आपसे कभी? अब देखना देखना चाहते हैं तो आप देखे हैं तो रूप रंग बताइए ना उनका बढ़िया से। रूप रंग तो मैं बता रहा हूँ कि पूरा बाल है, हाथ में, पैर में, सीना में, सब में बाल है। और घुंघरू बांधे रहता है क्या पैर में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो खटना सी बनता है? नहीं नहीं, ऐसे पूरा एकदम पूरा बाल ही बाल दिखता है। खुले जिसके लिए दिखेगा उसी के लिए दिखेगा। इस रास्ते में घोड़ा से जा रहा था सवारी। घोड़ा से जाता है? नहीं पहले महादेव, लेकिन घोड़ा मर गया कि क्या हुआ, अब जाना आना बंद कर दिया, अकेला घूमता है, खाली पैर, मतलब खाली पैर पैदल। 11 बजे यहाँ पर सो के आदमी, किसी को अगर विश्वास नहीं है तो यह सुला के देखिए देखिए, उसके बाद में आप उनको हटा देगा रास्ते से, खुद ही जान जाएगा। उस रास्ते में सो रहे तो हटा देगा? किसी हटाएगा नहीं, आप आवाज में उठो बोलेगा वो, उठो मेरे साथ में चलो बोलेगा वो। वो अच्छा, तो घुंघरू या तो छन 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 आए तो आपका दिमाग तो थोड़े सोहरा हो गया, आपको उसको पकड़ना है। तो उस दिमाग में तो आपको लगेगा कि कब आए कब आए, तो उतना तक पहुंच जाए तो खुशी की बात। मतलब रास्ते में कोई सोया है मतवार उतवार तो उसको हटाता है, प्यार से उसको घर पहुंचा देगा वो। अच्छा, प्यार से घर पहुंचा देगा? घर भी पहुंचा देता है। अच्छा, आप नहीं जानोगे कि मैं कैसे पहुंचा। अच्छा इतना बात है? बस प्यार से वो पहुंचा देता। सुबह नींद खुलेगा तो फिर घर में मिलेगा वो? घर में मिलेगा, अगर उसके रास्ते में सोया है तो। उसके रास्ते में घर दूरा बना हुआ है तो बोलेगा कि मेरे रास्ते में सोए हो। घर दूरा उसका रास्ते में घर दूरा बना ही नहीं सकते। नया घर बनता है तो तोड़ देगा? तोड़ देगा? मेरे बार बहुत बार ऐसा हुआ है जी। मतलब मेरे घर जिसे वो अभी आंगनबाड़ी का बनाया हूँ ना, तो उसको बोल रहा था वो डायरेक्ट, जिस दिन घर हम लोग गृह प्रवेश किए ना, तो आम तो, पेड़ में तो रास्ता है जी। हाँ जी, तो उसी में कट के जा रहा। एक ही रास्ते में आना जाना करते हैं वो? वही रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं जाते हमेशा उसी रास्ते में? हाँ, तो उसको निकलेगा है ना। सरना से निकला, सनसना क्या है, जाम पिंजरी। जाम पिंजरी से लोटा कोना, लोटा कोना से बस्ती में भ्रमण करे शुरू करेगा। अच्छा, अब मेरे को ऐसे कर थपिया उठाया, जान रहे हो? रास्ते में सोया था क्या? मैं सोया था। उठ रहे ऐसे बोल रहा है? पी के सोया था क्या? नहीं, मैं पी उस दिन कुछ पिया ना खाया कुछ नहीं। रास्ते में कैसे सो गया था? नहीं, घर में जी। अच्छा, घर में? हाँ, घर में नया, जो अभी घर नया घर बनाया हुआ बाड़ी के सामने में। हाँ। और